रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। रणवीर की लेडी लव दीपिका ने भी उनके हस्बैंड को फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के लिए सराहा है। हाल ही में लीड एक्टर रणवीर सिंह अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण के साथ मुंबई में एक PVR में अपनी फिल्म देखने पहुंचे थे। बॉलीवुड का ये पावर कपल हाथों में हाथ डाले मूवी देखने पहुंचा था। इस दौरान दीपिका डेनिम लुक में नजर आई। उन्होंने रणवीर सिंह की कस्टमाइज्ड जैकेट कैरी की हुई थी। दीपिका ने रणवीर के फेस प्रिंट वाली डेनिम जैकेट पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद कूल अवतार में नजर आई। जैसे ही पेपराजी की नजर उनकी जैकेट पर पड़ी, दीपिका ने प्राउडली इसे दिखाया और पिक्चर्स के लिए पोज भी दिया। दीपिका के लुक की बात करें तो एक्ट्रेस ने व्हाइट टैंक टॉप, हाई वेस्ट डेनिम ट्राउजर और बिग साइज वाले सनग्लासेस के साथ अपने लुक को पूरा किया था, तो वहीं रणवीर ऑल ब्लैक लुक में नजर आए। स्क्रीनिंग के बाद रणवीर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपनी वाइफ दीपिका के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपिका और रणवीर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने और झुमका का हुक स्टेप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर में दीपिका ने फिल्म से रणवीर का एक डायलॉग भी बोला और कहा कि रणवीर से बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। 28 जुलाई 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई करण जौहर डायरेक्टेड फैमिली ड्रामा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने पहले दिन 11.10 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि दूसरे दिन फिल्म की कमाई 16.5 करोड़ रुपए रही। दो दिन में मूवी ने लगभग 27 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।